साल 2018 यानी कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2019 अगले साल में सबसे बड़ा सवाल प्रधानमंत्री कौन। नमस्कार, मैं हूं राशिद अली और हम कराने वाले हैं आपको एक खास प्रोग्राम में एक खास खबर से रूबरू, जिसमें खबर है सीधे ना बोलते हुए मैं ज्यादा आपको इंतजार ना कराते हुए आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहूंगा। आखिर एक खबर आई है जिसमें लिखा है कि 2019 में नरेंद्र मोदी नहीं बन पाएंगे पीएम, और आखिर वो बड़ी वजह कौन सी है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं सीधा आपको खबर पे लेके चलता हूं और वो खबर मैं आपको उसका शीर्षक पढ़ाना चाहता हूं कि आखिर मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, जरा वो जूम करके आपको दिखाएं कि आखिर कौन सी वो 6 वजह हैं। जी हाँ, मैं आपको दिखाना चाहूंगा 2019 में नरेंद्र मोदी नहीं बन पाएंगे दोबारा पीएम, जानिए 6 बड़ी वजह। जी हाँ, आखिर क्यों नहीं बन पाएंगे वो पीएम, क्योंकि क्या बीजेपी सही राजनीति नहीं कर रही है? क्या बीजेपी कैसी राजनीति कर रही है जो वो 2019 में नहीं आ पाएगी? ये सभी वजह मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए कि बीते दिनों राहुल गांधी का वार कहीं ना कहीं बीजेपी के दिल पर हुआ। देखिए खास रिपोर्ट। आज मैं शुरुआत मोदी जी के एक कोट से करना चाहता हूं। मोदी जी ने एक किताब लिखी थी, कर्म योगी बाय नरेंद्र मोदी, और उनकी स्पीचेस जो उन्होंने गुजरात के ब्यूरोक्रेट्स को दी थी, उन भाषणों में से मैंने कोट निकाला है। मैं आज आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि यहां संविधान की बात हो रही है, अंबेडकर जी की बात हो रही है, और इस कोट से हमारे प्रधानमंत्री जी की विचारधारा, उनकी थिंकिंग, उनकी सोच बहुत सफाई से दिखाई देती है। पहले मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ूंगा, फिर हिंदी में बोलूंगा। वॉट इज द स्पिरिचुअलिटी ऑफ अ पर्सन वर्किंग ऑन क्लीनिंग टॉयलेट्स? हैज एनी वन एक्सपीरियंस्ड स्पिरिचुअलिटी ऑफ अ मैन ऑफ वाल्मीकि समाज हु हैज टू रिमूव ह्यूमन एक्सक्रीशन एंड डर्ट एवरी डे? I do not believe that he accepted the task merely to fill his belly. He would not have stayed for so long in that profession, and certainly not from generation to generation. Probably sometime for happiness of God and society, he would have thought it his responsibility to keep the environment clean, and he accepted the work and continues to do the work for generations out of his spirituality. It is not that his ancestors were unable to shift or do any other work. Ab main hindi mein batata hu. जो टॉयलेट्स को साफ करता है, जो गंद उठाता है, उसकी क्या स्पिरिचुअलिटी होती है? किसी ने वो स्पिरिचुअलिटी महसूस की है जो वाल्मीकि समाज का एक व्यक्ति टॉयलेट साफ करते हुए महसूस करता है? नहीं, सुनिए सुनिए, वो काम जो वाल्मीकि समाज का व्यक्ति करता है, वो अपने पेट को भरने के लिए नहीं करता है। वो इस काम को सालों भर नहीं करता अगर वो सिर्फ ये काम अपने पेट को भरने के लिए करता। कहीं ना कहीं वो ये काम करना छोड़ देता, मगर वो ये काम इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए काम करता है। उसके जो माता पिता थे, वो आसानी से इस काम को छोड़ सकते थे, मगर उन्होंने ये काम नहीं छोड़ा क्योंकि उनको इस काम से स्पिरिचुअलिटी मिलती है।
ये हमारे प्रधानमंत्री की सोच है कि वाल्मीकि समाज का जो व्यक्ति टॉयलेट को साफ करता है वो पेट भरने के लिए नहीं करता है, स्पिरिचुअलिटी के लिए करता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, उनका कोट है, मेरा नहीं। अब देख नहीं, ऐसे मत बोलिए, क्योंकि हम देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हम किसी के बारे में मुर्दाबाद नहीं कहते, मगर जो उनकी विचारधारा है, देर नहीं भैया, ऐसे मत बोलिए, जो उनकी विचारधारा है नरेंद्र मोदी की, हिंदुस्तान के हर दलित को, हर गरीब को, हर व्यक्ति को समझनी है। नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि जो टॉयलेट को साफ करता है, जो गंद उठाता है, वो ये काम अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए करता है, पेट भरने के लिए नहीं करता है। ये हमारी प्रधानमंत्री की सोच है। मेरे पास एक व्यक्ति आए कुछ दिन पहले, मुझे कहते हैं मोदी जी से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं उनको जवाब नहीं दे पाया। सवाल क्या था? मोदी जी ने इस व्यक्ति से पूछा, देखिए मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, हिंदुस्तान के दलित मुझसे गुस्सा क्यों है? जहां भी मैं जाता हूं मैं अंबेडकर जी की मूर्ति पर माला लगाता हूं, हिंदुस्तान के दलित मुझसे गुस्सा क्यों है? मोदी जी, हिंदुस्तान के दलित आपसे गुस्सा इसलिए हैं क्योंकि यह आपकी विचारधारा है। आप जितनी बार भी अंबेडकर जी के सामने फूल लगाओ, जितनी बार भी इनके मूर्ति पे माला लगाओ, इस विचारधारा के साथ उनकी आप इज्जत कभी नहीं कर सकते हो। और हर दलित, हिंदुस्तान का हर दलित इस बात को समझता है, जब वो नरेंद्र मोदी जी की ओर देखता है वो समझता है कि इस व्यक्ति में, इस व्यक्ति के दिल में हिंदुस्तान के दलितों के लिए, हिंदुस्तान के कमजोर लोगों के लिए, हिंदुस्तान के महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। आपको बता दें, मॉर्गन स्टैनली के को एनालिस्ट रिदम देसाई और शीला राठी ने 16 अप्रैल को प्रकाशित रिपोर्ट में कहा है कि ठीक 12 महीने बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर स्थिति अभी से बन रही है। ऐसे में आने वाले कुछ महीनों में बाजार में चुनाव परिणाम को लेकर कयासबाजी भी शुरू हो गई है कि आखिर किसकी सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। हालांकि रिपोर्ट में सीधे तौर पर तो यह नहीं कहा गया है कि नरेंद्र मोदी का मैजिक धीरे धीरे बेअसर होता जा रहा है, लेकिन यह बातें इस ओर जरूर इशारा करती हैं। और वो कौन सी बातें हैं, ये देखिए। पिछले वर्ष बीएसई के सेंसेक्स और एनएसई के निफ्टी में करीब 28% का उछाल आया था, लेकिन इस साल करीब 3.5 महीने बीत जाने के बाद भी बाजार में कुछ खास बदलाव नहीं आया। जी हां, उन्नाव और कठुआ की वारदातों के बाद जनता का सड़क पर उतरना, जिससे मोदी के समर्थकों की संख्या घटने की आशंका लग रही है। जी हां, तो वहीं अगर मैं तीसरी खबर से आपको रूबरू कराऊं, $2 अरब की बैंक धोखाधड़ी के गुनाहगारों को सजा दिलाने में विफल। धोखाधड़ी आखिर कितनी हो रही है, यह आपको पता ही है। धोखाधड़ी आजकल कितने बड़े बड़े घोटालेबाज, बड़े बड़े कारोबारी घोटाला करके देश से बाहर चले जाते हैं और वो यहाँ ना लौटने की बात कहते हैं, तो उनके गुनहगारों को मोदी सरकार सजा दिलाने में विफल रही है। तो वहीं आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि शेयर बाजार इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि 2019 में बहुमत वाली मजबूत सरकार बनेगी। ऐसे में अनिश्चितता को ये 3 मुद्दे भी और बढ़ाते नजर आ रहे हैं। मुद्दे हैं, बीजेपी के प्रति
दलितों में बढ़ता असंतोष, क्योंकि दलितों का मुद्दा कितना उठ रहा है ये हमने सभी ने देखा, कितना आगे बढ़ रहा है दलितों का मुद्दा, तो वहीं मुसलमानों और दलितों का बढ़ता मेलजोल, यानी कि जिन दो फैक्टर्स को लेकर लड़ाई हो रही है, जिन दो फैक्टर्स को बांटा जा रहा है, वो दोनों फैक्टर आपस में आ रहे हैं। बीजेपी के विरोध में बड़े पैमाने पर गठबंधन की संभावना, जी हाँ, बीजेपी के विरोध में बड़ा गठबंधन यानी कि तीसरा मोर्चा जैसा गठबंधन कितना सामने आ रहा है वो हम सभी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चारों ओर से बीजेपी के लिए मुसीबत बन रही है, और ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी सच में आएगी या फिर ये सभी वजह सच साबित होंगी और बीजेपी सरकार 2019 में नहीं आएगी, देखने वाली बात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर आपके सामने एक नई खबर के साथ हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।